सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। दिवाली के अवसर पर सर श्री द्वारा जानने वाले हैं कि कैसे मनाएं सच्ची दिवाली, सच्ची लक्ष्मी पूजा कैसे करें, सर श्री जी ने सच्ची ईद कैसे मनाएं, सच्चे सिख कैसे बने, सच्चे ईसाई कैसे बने, इन सभी विषयों पर समझ दी हैं। ये सारे संदेश सुनकर हर धर्म के पीछे छिपे हुए अर्थ को समझें। सभी धर्म एक हैं, इस समझ को प्राप्त करें। तो आइए अब सुने, आओ सच्ची दिवाली मनाना सीखें, सच्ची लक्ष्मी पूजा कैसे करें। सच्ची शब्द का यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि सर श्री जी कहते हैं, समय के साथ शब्दों का असली अर्थ खो जाता है, इसलिए पूजा केवल एक कर्मकांड रह जाता है। आज के संदेश का उच्चतम लाभ लेने के लिए संदेश में दिए गए समझ पर जरूर मनन करें। प्यारे खोजियों, आओ सच्ची दिवाली मनाना सीखें। सच्ची दिवाली कैसे मनाएं? सच्ची शब्द के साथ आप इस विषय की गहराई को समझेंगे। दिवाली मनाई जाती है पांच कारणों से। पहला कारण, बोर्डम से मुक्ति। दिवाली मनाई जाती है बोर्डम से मुक्ति पाने के लिए। त्यौहार के पीछे एक कारण यह होता है कि लोग वही जीवन जीकर बोर हो जाते हैं, उनके अंदर का उत्साह खत्म हो जाता है, उल्लास खत्म हो जाता है। तो दिवाली आती है तो कई दिन पहले से ही लोग बहुत कुछ करने लगते हैं। आप जानते हैं, दिवाली के इंतज़ार में बहुत काम हो जाते हैं, तो फिर से उत्साह उल्लास आ जाता है। ये एक ऊपरी कारण। दूसरा कारण, कूड़े करकट से मुक्ति। घर में बहुत सारा कूड़ा करकट आ जाता है, लोग यह सोच कर के बाद में देखेंगे, लंबा समय बीत जाता है, तो दिवाली के बहाने सभी घरों की सफाई हो जाती है, सभी झाड़ू लेकर काम शुरू करते हैं। तो दूसरा कारण, घर के अंदर जो कचरा है उससे मुक्ति मिलती है। तीसरा कारण है कि लोगों के अंदर जागृति आए, लोग जाग जाएं कि वे किस तरह से जी रहे हैं। रिश्ते नाते बहुत तरह के हैं, तो उनमें वे कैसे प्रतिसाद दे रहे हैं। एक त्यौहार आया तो फिर उस त्यौहार में लोग मिठाई बांटेंगे, रिश्तेदारों के पास जाएंगे, ग्रीटिंग्स देंगे, शुभ विचार देंगे, शुभेच्छा देंगे, हैप्पी थॉट्स देंगे, और किसी दिन विश्व के सारे लोग शुभ विचारों से भर जाएं। अगर एक दिन दिवाली इस तरह का काम कर पाए, जो तीसरा गहरा कारण है, कि एक दिन ऐसा हो जिस दिन सभी के विचार शुभ हों, सभी शुभ विचार से भरे हुए हैं और लोगों को शुभेच्छाएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो सभी शरीरों में अगर शुभ विचार दौड़ रहे हैं तो उनका परिणाम विश्व की चेतना पर होगा, सारी विश्व के लोगों पर। उन शुभेच्छाओं का, कामनाओं का, विचारों का, हैप्पी थॉट्स का असर होगा, उससे एक बड़ा काम हो सकता है। ऐसे ही आप अनाउंस करो कि इस दिन को सभी शुभ विचार रखें, तो लोग नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। मगर एक त्यौहार, दिवाली का त्यौहार, जिसमें लोग ग्रीटिंग्स देंगे, शुभेच्छा देंगे, मिठाई के रूप में देंगे, किसी भी रूप में देंगे, तो शुभ विचारों से भरी हुई बॉडीज जब एक साथ तरंगित होंगी,
तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो तीसरा जो कारण था जागृति का, रिश्तों नातों में जहाँ पर भी कड़वाहट है वो दूर हो जाए। क्या यह जागृति हम में आई है कि हम उपहार दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? हम रिश्तों में क्या खो गया है जिसको लाना चाहते हैं? तो सही माने में आप उपहार देंगे, ग्रीटिंग्स देंगे, मिठाई देंगे, कपड़े देंगे। जागृति के बाद चौथा कारण है अभिव्यक्ति, लोगों को अभिव्यक्ति का मौका मिले। लोगों के अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, उनको बाहर आने का मौका मिले, बहुत संभावनाएं हैं, उनको वे संभावनाएं दिखाई दे। कोई रंगोली बनाता है, कोई अलग अलग पदार्थ बनाता है, कैंडल्स बनाता है, आकाश कंदील बनाता है, कई सारी रचनात्मक चीज़ों को लाया जाता है। अलग अलग ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर लोग अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपने अंदर की कला की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो आनंद वे प्राप्त करते हैं वो कैसे अभिव्यक्त हो? कोई तो त्यौहार हो, दिवाली ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग यह अभिव्यक्ति कर पाते हैं। पांचवा जो कारण है, मुख्य कारण है दिवाली मनाने के पीछे, कि हमारे अंदर जो रोशनी है, तेज रोशनी है, जो कितनी भी हवाएं लगने से बुझती नहीं है। एक रोशनी हवाएं लगी तो बुझ जाती ना, फिर से जलाना पड़ता है, फिर से कैंडल जलाओ, फिर से मैच बॉक्स जलाओ। मगर एक ऐसी रोशनी है जो बुझती नहीं है, कितनी भी हवाएं आने दो, क्योंकि वो रोशनी जलाई गई है उस ईश्वर के द्वारा, उस खुदा के द्वारा, अलग अलग नाम दिए गए हैं, और उसका ही बाहर का प्रतीक फानूस बनाए जाते हैं, आकाश कंदील बनाए जाते हैं, रोशनी के दिए जलाए जाते हैं, कि ये याद दिलाए अंदर के रोशनी के बारे में। पांचवा कारण जो सबसे मुख्य कारण है, फिर से बच्चा बनना। दिवाली एक मौका आती है, जानते हो, बड़े लोग भी बच्चों के साथ फुलझड़ियाँ जला रहे होते हैं, बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, उनको एक मौका मिलता है। मगर पूरी समझ न होने की वजह से वे कर्मकांड बच्चों के साथ ऐसा करना होता है वैसा करके फिर छोड़ देते हैं। मगर वाकई बच्चा बनना यानी हमारे अंदर से कपट निकल जाए। बच्चे कैसे सहजता से सत्य बोलते हैं, बच्चे कैसे जीते हैं, वहाँ तोलुमन नहीं है। तोलुमन यानी तुलना करने वाला मन, पिछली दिवाली अच्छी थी इस बार अच्छी नहीं है, पिछली बार होली बहुत अच्छी थी इस बार अच्छी नहीं है। हर बार देखोगे त्यौहार आया तो लोग त्यौहार के बाद क्या कहते हैं, नहीं नहीं पिछली बार ज़्यादा अच्छा था। अरे पिछली बार तो यही कहा था। हमारे अंदर कोई खोट है जो खोट ही देखती है। अगर सच्ची दिवाली मनाना याद होता तो ये कितना बड़ा रिमाइंडर मिलता कि हम बाहर के परिधान बदल रहे हैं, तो क्या उसके साथ हम भी बदल रहे हैं? बाहर के परिधान बदल रहे हैं तो क्या हम भी बदल रहे हैं? क्या हम वैसे के वैसे ही है? नए बही खाते खोल रहे करते ना व्यापारी लोग, क्या करते हैं, नए वही खाते खोलते, पुस्तक बनाते, लाभ हानि का कॉलम बनाते कि अभी ये नए साल में क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई, वो पूरा नया वही खाता खोल दिया। मगर अपने बारे में हमने इस साल में क्या पाया क्या खोया, आने वाले साल में हम किस पर फोकस रखें, हमारा ध्यान आने वाले साल में कहाँ पर रहे, वो हम इसमें लिखने वाले हैं, ताकि जब अगली दिवाली आएगी तो हम लाभ हानि से मुक्त हो जाएंगे, इनसे ऊपर उठ जाएंगे। नई वही खाता खुल जाए, अगर नई डायरी खुल जाए, अगर अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की डायरी खुल जाए, समझ में आए कि मुझे क्या लिखना है इनके अंदर, अगले त्यौहार तक क्या हो जाना चाहिए, तो कितना बड़ा काम हो गया। वरना एक कर्मकांड करके, सिर्फ व्यापार करके, लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन दौलत समझ के सब हो गया, मगर असली फायदा नहीं हुआ।
तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, तेज रोशनी जो हमारे अंदर है, परम प्रकाश जो हमारे अंदर है, वह प्राप्त कर लेना। बाहर का प्रकाश, दिवाली को कहा ही क्या गया है, फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का पर्व, प्रकाश का त्यौहार, प्रकाश जलाया जाए। बाहर का प्रकाश देखकर, बाहर की जगमग देखकर, हमारे अंदर जो प्रकाश है, जिस प्रकाश के अंदर अंधेरा भी दिखता है, ऐसा प्रकाश जो हमारे अंदर है, जिसके अंदर रोशनी भी दिखती है अंधेरा भी दिखता है, वह तेज प्रकाश है जो अंदर हमारे जानने वाला है, जो दोनों को देख रहा है, लाभ और हानि को भी देख रहा है, अंधेरे और रोशनी को भी देख रहा है। अंधेरा भी ऐसे ही नहीं दिखता, उसके लिए भी देखने वाला जिंदा होना चाहिए, वरना उसके लिए अंधेरा क्या, रोशनी क्या। अगर वह जीवन है बॉडी के अंदर, तो वह अंधेरा भी महसूस कर पाएगा, वह जान पाएगा। पौराणिक कथाओं के हिसाब से क्या कारण बताया गया कि राम ने जब रावण को खत्म किया तब वे अयोध्या लौटे। युद्ध जब समाप्त होती है तो अयोध्या में आते हैं। अयोध्या का अर्थ ही क्या, अयोध्या यानी युद्ध जहाँ नहीं है, अयोध्या, अयोध्या का अर्थ है जहाँ युद्ध नहीं है। जब भी युद्ध खत्म होती है तो अयोध्या है, और अगर अयोध्या में युद्ध होने लगे तो क्या होगा, पानी आग बुझाने के लिए है और पानी ही आग लगाने लग जाए, लोग जो मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े कर रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं अयोध्या का अर्थ क्या, युद्ध जहाँ समाप्त होगी वहाँ युद्ध नहीं होती, ऐसा स्थान जहाँ पर युद्ध नहीं होती। तो राम अयोध्या में आए, यानी कि युद्ध की समाप्ति हुई, पटाखे जलाए गए, यानी विजय की घोषणा हुई कि अभी युद्ध की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में युद्ध हुई तो लोग फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो कोई स्थान बचा ही नहीं जहाँ जाए, क्योंकि फिर हर जगह ही युद्ध हो गई। तो कहानी में ये बताया गया कि राम वापस आए तो लोगों ने पूरी खुशी से, अति आनंद का दिवस मनाया गया। ईद है या दिवाली है, ये किस तरह के पर्व है, अति आनंद के पर्व होते हैं जो मनाए जाते हैं, लोगों को असली आनंद की याद आए कि ऐसा आनंद जो हमारे अंदर ही है, उसके प्रकट होने से सदा हम इस तरह के आनंद में रह सकते हैं। स्वाद लिया होगा तो किसी को प्रेरणा मिल सकती है कि ऐसा आनंद सदा रहे, ये थोड़े समय के लिए क्यों था, ये सदा क्यों नहीं हो सकता। स्वाद मिलेगा तो कोई तो प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा। तो एक कारण ये बताया गया है कि रामचंद्र वापस आए तो लोगों ने उस अति खुशी में दिवाली मनाई, दियों की लाइन लगा दी, दीपमाला जलाई गई, तो कहा गया उस पर्व को दीपावली, दियों की लाइन लगा दी गई, उसको दीपावली नाम करके दे दिया गया जो आज तक मनाई जा रही है। दिवाली मनाएंगे तो खरीदारी करते वक्त अपने आप से पूछेंगे जय किच्छे, जय किच्छे यानी जरूरत है कि चाहत है। अगर इतना भी होश है कि खरीदारी करते वक्त ये मेरी जरूरत है कि चाहत है, नीड है कि वांट है, जरूरत है तो जरूर आप खरीदारी करें, चाहत है तो देखें कि वाकई जरूरतें पूरी हो चुकी है तो मैं चाहते पूरी करूं, या जरूरतें बाजू में रह गई है और मैं चाहते पूरी करते जा रहा हूं, ये सिर्फ होश जगे तो फिर दिवाली दिवाला नहीं बनेगी। लक्ष्मी को लोग किस तरह रख रहे हैं, कुछ लोग तो इस तरह उड़ा रहे हैं कर्ज लेकर, कुछ लोग उसको पेटियों में खोखों में बंद करके रखते हैं, उनके लिए लक्ष्मी पेटी और खोखा है। तो लक्ष्मी का अर्थ क्या, लक्ष्मी की पूजा हो तो कैसे हो, लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो कैसे करना है, क्या सिर्फ रात में लाइट जला दे के रख दी गई और लक्ष्मी आ जाएगी प्रसन्न हो जाएगी, या उसके लिए कुछ और करना होता है। एक इंसान ने लक्ष्मी की बहुत पूजा की, लक्ष्मी की पूजा करने के बाद देखा कि लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हुई, लक्ष्मी आई नहीं,
आखिर परेशान होकर उसने कहा कि अभी लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे। उसने फिर ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की और फिर ज्ञान बड़ा, समझ बड़ी, बुद्धि बड़ी, विवेक जागृत हुआ तो एक संतुष्टि का जीवन प्राप्त हुआ। संतुष्टि का जीवन प्राप्त हुआ तो पैसे भी आए, सब कुछ हुआ, संतुष्ट था। और फिर लक्ष्मी ने आकर दर्शन दिए। जब ये सब हो गया तो लक्ष्मी आई और उसने दर्शन दिए तो उसने लक्ष्मी को देखकर कहा, अरे अभी आकर क्या फायदा, अभी तो मुझे कोई आकर्षण है नहीं, दौलत मिल जाए ऐसा कोई आकर्षण है नहीं, अब आकर क्या फायदा, पहले आई होती तो अच्छा हुआ होता, अगर वाकई प्रसन्न थी तब आए होते। तो लक्ष्मी ने क्या कहा, लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश थी, तुम जब मेरी आराधना करते थे, अर्चना करते थे तो मैं बहुत खुश थी, पर तुम्हारे पास नहीं आई तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पास नहीं आई तुम्हारी वजह से, कि तुम्हारे अंदर जो गुण थे, तुम्हारे अंदर जो संभावना थी उसको खोलने के लिए आज जो जीवन तुम प्राप्त कर चुके हो, जो संतुष्टि तुमने प्राप्त की है वो तुम्हें कभी नहीं मिलती। अगर उस वक्त आई होती तो ये तुम्हें कभी नहीं मिलती। क्या कहा लक्ष्मी ने कि मैं तुम पर प्रसन्न थी इसलिए नहीं आई, ये इंसान के लॉजिक में नहीं बैठता है ना, तर्क में नहीं बैठता है, कोई प्रसन्न हो इसलिए नहीं आता, इसलिए हमसे नहीं मिलता। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि पहले ही अगर लक्ष्मी आती तो वो इंसान उसी में उलझ जाता। लक्ष्मी नहीं आई तो उसने दूसरा रास्ता ढूंढा, संतुष्टि प्राप्त करने का दूसरा रास्ता ढूंढा, ध्यान किया, जो गुण थे उसके अंदर वे और बढ़े, उसने संतुष्टि प्राप्त की। अब लक्ष्मी आई है ये बताने के लिए कि प्रसन्न में पहले से ही थी। उस इंसान को तब समझ में आया कि हम जो सोच लेते हैं कि प्रार्थना फायदा नहीं करती, रिजल्ट नहीं आती, रिजल्ट तो आती है, रिजल्ट आती है, मगर हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें लगता है कि प्रार्थना व्यर्थ गई। कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, सही ढंग से अगर हम प्रार्थना कर रहे, लक्ष्मी को सही ढंग से प्रार्थना कर रहे, क्या प्रार्थना कर रहे, कैसे करनी चाहिए प्रार्थना, लक्ष्मी को क्या कहना चाहिए, लक्ष्मी को कहना चाहिए, हे लक्ष्मी माँ आप हम पर प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि हम आपके भक्त हैं, हम चाहते हैं आप हम पर प्रसन्न रहे। और आप जिन पर प्रसन्न होती है उनको आप याद नहीं आती, जिन पर आप प्रसन्न होती हैं उनको आप याद नहीं आती, जिन पर आप नाराज होती हैं वे दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं। बाकी ईश्वरों को ये प्रार्थना नहीं करनी है, लक्ष्मी के लिए ये प्रार्थना है। इसलिए क्या समझ हो, जब हम प्रार्थना कर रहे समझ हो, क्या समझ हो कि लक्ष्मी का प्रसन्न होना यानी क्या, लक्ष्मी जिनसे नाराज है वो दिन भर पैसा पैसा ही सोच रहे, ऐसा मत सोचना कि लक्ष्मी जिन पर प्रसन्न होती है तो उनके पर उनके पास बहुत पैसा होता है, इसका अर्थ ये नहीं है। कितना भी इंसान के पास पैसा हो मगर दिमाग में पैसा ही घूम रहा है, दिन भर पैसे की बातें ही सोच रहा है तो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है, दिन भर यही सोच रहा है, अरे यहाँ ये थोड़ा नुकसान हो गया, यहाँ ये थोड़ा लाभ मिल गया, अरे कहीं ये चले ना जाए पैसे, ये डर ही है अंदर, पैसे की चिंता ही है, इतना कमा लेने के बाद भी। तो इसका अर्थ लक्ष्मी नाराज है। बाहर के लक्षणों पर मत जाना, एक पर्सन के पास पैसा कम है मगर उसके अंदर क्या विचार है, जब भी जरूरत होती है लक्ष्मी आती ही है, लक्ष्मी लक्ष्मी उस पर प्रसन्न है, वो दिन भर नहीं सोचते रहता, उसको पता है, वो निश्चिंत है, जब जरूरत आती है ना तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है, ये हमने देखा है। तो लक्ष्मी उन पर प्रसन्न है तो वे प्रार्थना करेंगे लक्ष्मी को, तो ये करेंगे कि हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, यानी आप प्रसन्न होगी तो आपकी याद हमें आती नहीं रहेगी, आपकी याद आने से पहले ही आप आ जाया करेंगी। याद आ रही है दिन भर, यानी कि अप्रसन्न है, ध्यान पूरा
धन में ही लगा हुआ है अगर, तो ये सही लक्ष्मी पूजा करने वाला पूजा करेगा, वो कहेगा कि मैं चाहता हूँ तुम प्रसन्न हो जाओ, और ये भी जानता हूँ कि जब तुम नाराज होती हो तो क्या होता है, और ये कहने के बाद वो कहेगा कि आगे तुम्हारी याद आने से पहले ही तुम आ जाया करो ताकि हमें कोई दिक्कत न हो, और जब भी तुम आओ तो अकेले मत आओ, नारायण को साथ लेकर आओ। दिवाली में लक्ष्मी की पूजा करोगे तो ये कहोगे अकेले मत आओ, सत्यनारायण को साथ लेकर आओ, क्योंकि सत्यनारायण के साथ लक्ष्मी आएगी तो क्या होगा, अहंकार नहीं बढ़ेगा। प्रार्थना में यही कहोगे कि तुम आओ तो मेरा अहंकार न बढ़े, और तुम जानती हो कि किन चीजों से अहंकार बढ़ता है। तुम हमारी शुभचिंतक हो इसलिए तुम्हारे आने से हमारा अहंकार न बढ़े, सत्यनारायण तुम्हारे साथ में आए, तुम्हारी याद आने से पहले तुम आ जाओ। तो ये प्रार्थना जब आप करोगे लक्ष्मी को, तो ये सही लक्ष्मी पूजा है। जहाँ आपको पता है कि हम लक्ष्मी को पूजा कर रहे हैं तो किस तरह लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उनके सामने पुष्प रख रहे हो, पुष्प रख रहे हो, फूल रख रहे हो, तो फूल रखते वक्त आपको पता हो कि मैं क्या भाव रख रहा हूँ, किस तरह का भाव। आप पुष्प रख रहे हो लक्ष्मी के आगे, अंदर से समझ ये हो कि मैं एक भावना, एक इंटेंशन रख रहा हूँ, एक भाव, एक इंटेंशन रख रहा हूँ, आने वाले साल में या आने वाले दिन में मैं क्या करूँगा। ईश्वर के सामने लोगों ने प्रथाएं बनाई ये याद दिलाने के लिए, बिना फूल रखे भी इंटेंशन रखा जा सकता है, मगर वो भावना में जोर लाने के लिए ये बनाया गया कि वो रखते वक्त किसी ने कहा कि आज का दिन या कल का दिन जो आने वाला है वो मेरे लिए क्षमा दिवस होगा, यानी जो भी लोग मिलेंगे मैं उन्हें क्षमा कर पाऊंगा या प्रार्थना दिवस होगा, ये भाव, ये इंटेंशन रखेगा कि जो लोग भी मिलेंगे मैं उनके मंगल के लिए प्रार्थना करूँगा। एक पुष्प रखा यानी एक भावना रखी, एक इंटेंशन रखा कि कल का दिन या आने वाला दिन या आज का दिन सुबह में कर रहे हो तो क्या कहोगे, आज का दिन मैं खुश रहूँगा, क्या भी हो जाए, कोई भी घटना हो जाए तो आज का दिन मैं खुश रहने वाला हूँ, कुछ भी हो सकता है, अगर वो भावना रखी है वो पुष्प रखते हुए, तो ये सही पूजा हो गई। झाड़ू की पूजा क्यों की जाती है दिवाली में, झाड़ू की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि झाड़ू प्रतीक है साधना का। साधना क्या करती है, जब भी आपको साधना मिलती है तो आप अपने अंदर का पूरा कूड़ा करकट निकालने लग जाते हो, दिखाई देने लगता है पहले तो अरे ये कचरा है। झाड़ू जब भी लगाओगे तो ये याद आना चाहिए कि ये साधना का प्रतीक है, कि मैं सिर्फ बाहर की सफाई कर रहा हूँ कि अंदर की साधना भी चल रही है। अंदर की साधना मुख्य है क्योंकि पृथ्वी पर आए हो साधना करने के लिए, पृथ्वी पर आए हो साधना करने के लिए। जैसे स्कूल जाते हो तो क्यों जाते हो, आपको मालूम होता है स्कूल में गए तो ये काम है, वहाँ वही जाके करना होता है, वह करके लौटना है। वाकई हम पृथ्वी पर आए हैं तो क्या गुण अपने अंदर लाने के लिए आए हैं, उससे क्या होने वाला है, ये लक्ष्य जब हम भूल गए हैं तो हम पृथ्वी पर और बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं सिवाय साधना के। साधना के लिए ही ये सब अरेंजमेंट की गई है, चारों तरफ अलग रिश्ते नाते दिए गए हैं, लोग कुछ अच्छा व्यवहार करते प्लस करते कुछ माइनस करते, दोनों तरह के वही खाते खुलते हैं, मगर इनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए था। ये करते वक्त आप साधना में पक रहे थे क्या, जिस चीज़ को प्रकट करना है उसके लिए ये बहाना है, संसार पृथ्वी वो बहाना है। और फिर पटाखे भी जलाओगे तो लाइट हैंड से जलाओगे जैसे बताया, यानी बिना आइडेंटिफाइड हुए, बिना आइडेंटिफाइड हुए। जितनी बड़ी कैंडल होती है, जितनी बड़ी अगरबत्ती होती है, उतना ही आप दूरी से उस चीज़ को जला सकते हो। तो बॉम्ब जब जला रहे हो तो हवाइयाँ छूटती है,
हवाइयाँ आसमान में छूटती है, तो हमारे अंदर के आकाश में भी बहुत सारी हवाइयाँ छूटती है, तो उन हवाइयों को कैसे देखे, उन हवाइयों से कैसे प्रेरणा ले। ऐसा नहीं कहते ना, ये तो मैंने नहीं जलाई मैं क्यों देखूं, ये तो मैंने नहीं जलाई। कोई भी जलाए, आपका काम है डिसआइडेंटिफाइड होकर देखना। तो जब भी बम जलाओ या आपके आजू बाजू में कोई और जला रहा है, तो आप ये मत कहना जब तक मैं नहीं जलाऊंगा तब तक मैंने दिवाली नहीं मनाई। मान्यता हो गई ना, जब तक अगरबत्ती मैंने नहीं लगाई तब तक मैंने नहीं मनाई। अरे कोई भी जलाए, आप आनंद लो उसका। उल्टा जो जला रहा होता है उसका ध्यान ज़्यादा नहीं होता है, जो बाकी होते वो देख रहे होते। तो पूरा एंजॉय करना चाहते हो तो डिसआइडेंटिफाइड होकर दूर से पटाखे जलाना, हाथ में पकड़ कर मत जलाना। लोगों के हाथ जल जाते हैं, हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तो हम सीख रहे हैं आज की दिवाली कैसे मनाएं, कैसे आनंद लें। तो लाइट हैंड से, लाइट हैंड यानी जो हल्का है, यानी आइडेंटिफाइड नहीं हुआ भले लेफ्ट से जलाया या राइट से जलाया। राइट रॉन्ग की बात नहीं है, राइट रॉन्ग की बात नहीं है, किसी भी हाथ से जलाया मगर डिसआइडेंटिफाइड होकर हल्के हाथ से, यानी जल्दी से अलग हो गए, जल्दी से अलग हो गए। कुछ लोग अलग हो ही नहीं पाते, अटक ही जाते हैं, कोई भी दृश्य देखा अटक ही जाते हैं। तो उसको दूर से इंजॉय करो, आसमान में बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, विलीन होते हुए दिखाई देगी, तो उसका दुख भी मत मनाना, विलीन हो गई चली गई। उसको एंजॉय करो कि किस तरह के विचार भी हमारे अंदर उठते हैं, किस तरह के विचार अंदर के आकाश में उठते हैं। ये विचार आया चला गया विलीन हो गया, आपने उसको हवाई करके देखा होता तो कैसा आनंद आया होता। अरे अच्छा ये विचार उठा चला गया। तो हर दिन दिवाली है, क्योंकि क्या देखोगे इसके अंदर, किस तरह की हवाइयाँ उठ रही है, किस तरह के अनार जल रहे हैं, किस तरह के शावर जल रहे हैं, तो देखोगे कि विचारों की हवाइयाँ उठ रही है। और अगर सोचो कि ऐसी हवाई मार्केट में मिल रही होती जो आसमान में जाती है और विलीन जब होती है उसके पहले आकाश में शब्द लिख कर आते, आकाश में लिख कर आया मैं बहुत खुश हूँ, आकाश में लिख कर आया आज वेनिसडे है, कुछ भी लिख कर आया, ऐसा कुछ भी लिख कर आया तो आप कितना खुश होगे। अरे कितनी बढ़िया है, लोग देखने के आएंगे, लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे, ये हवाई हम देखेंगे, आसमान में जाकर सब शब्द लिख कर आते हैं, कितना बड़ा आश्चर्य है ना, शब्द लिख कर आते हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। तो आप ऐसी हवाई जलाना चाहोगे, बार बार जलाना चाहोगे, आप मार्केट जाओगे दुकानदार कहेगा सब खत्म हो गया है स्टॉक, कुछ हवाइयाँ पड़ी है, मगर उन हवाइयों से क्या लिख कर आता है, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, ऐसा लिख कर आता है। आप कहोगे कुछ भी लिख कर आ, हमें क्या लेना देना, हमें तो एंजॉय करना है, यही कहोगे ना, ये कुछ भी लिख कर हम देखना चाहते, ये है कैसा चमत्कार, ये हवाई से लिख कर कैसे आता है, ये आश्चर्य हम देखना चाहते हैं। कुछ भी लिख कर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए। आप वहां ये कहोगे, मगर जब आपके अंदर ऐसा विचार आता है बहुत बोर हो रहे, तो हम वैसे क्यों नहीं देख पाते, उस तरह क्यों नहीं देख पाते, जब आ रहा है बहुत दुखी हो रहा हूं ऐसा विचार आता है तो हम ऐसे क्यों नहीं देख पाते। तो ऐसे विचारों को भी जब कहोगे अरे ये हवाई आई है तो खुश हो गया, अरे ये बम जला है ये हवाई आई है, इंजॉय करो उसको। उस वक्त अगर याद आए कि अभी ये दिवाली मनाई जा रही है, जब ऐसे नेगेटिव विचार आए तो दिवाली मनाई जा रही है। जब आप डिसआइडेंटिफाइड होकर अलगाव से ये जला पाओगे तब देखोगे बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस आएंगे, बहुत आश्चर्यजनक संकेत आएंगे, आएंगे विलीन हो जाएंगे, आएंगे विलीन हो जाएंगे। आप दिवाली सदा मनाते रहोगे, त्यौहार आया है हमें जगाने के लिए, जागृति के लिए। तो हमारे रिश्ते नातों में प्यार प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, ये कुछ बातें थी जो सभी के लिए जानना आवश्यक था। सेवा का जो मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए थॉट्स।
सर श्री जी द्वारा दिए गए इन सत्य संदेशों के साथ साथ आप सर श्री लिखित पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हमें खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स सर श्री, कोटि कोटि प्रणाम। एक्चुअली मुझे बचपन से अध्यात्म में इंटरेस्ट है, बहुत क्यूरियोसिटी है। हमेशा जितना सुना ऐसा लगा कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड और ये अध्यात्म बहुत दूर है। अध्यात्म में फिलोसफी लग रही थी मुझे, और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होने लगा था। एक्चुअली अध्यात्म इतना गोल मटोल है, कोई खुद ढूंढने जाए और कुछ पढ़ना लगे तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपने जो प्रोग्राम बनाया है, हैट्स ऑफ टू इट। ये इसी वजह से मुझे फिर से मतलब दोबारा से अध्यात्म में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ है और मैं समझ गया अभी। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, बहुत अच्छा। हैप्पी थॉट्स।